माई चैनल मिनीज वर्ल्ड और मैं हूँ मिनी। सो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये नवरात्रि सेकेंड डे लुक रेडी किया है और इस लुक को क्रिएट करने के लिए मैंने जितने प्रोडक्ट यूज किए हैं उसकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहां जाके जरूर चेक करना, आपको इजी रहेगा अगर आपको परचेस करना है। तो मैंने सेकेंड डे पे भी एक गाउन वेयर किया है और जो कि मैंने लिया था मेरे लोकल मार्केट से, और जो फर्स्ट डे का मैंने लुक रेडी किया था उसमें भी मैंने गाउन वेयर किया है और मैंने हल्का फुल्का अपने हेयर को कर्ल कर रखा है और ऑक्सीडाइज की ईयर रिंग जो कि मैंने अमेजोन से ली थी, अगर आपको लेना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगी, तो आप वहां जाके चेक कर लेना। और एक छोटी सी बिंदी के साथ मैंने ये लुक कंप्लीट किया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना इस वीडियो को, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो। और हाँ, आप मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो यस चेक कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया है। मेरे लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वादी हर्बल का लिप बाम। बहुत ही अच्छा लिप बाम है, मेरे लिप्स को काफ़ी अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज करता है, आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी मेरा DIY मेकअप सेटिंग स्प्रे, और इसे मैं अपने फेस पे अच्छी तरीके से स्प्रे कर दूँगी ताकि जो भी मैं मेकअप करने वाली हूँ वो अच्छी तरीके से लॉन्ग लास्टिंग रहे। मैं यूज़ करूँगी फाउंडेशन, तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ ओलिविया का फाउंडेशन। काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है, काफ़ी बजट फ्रेंडली है, और यस ये 100 रुपीज़ का फाउंडेशन है, आपको काफ़ी मैट फिनिश देगा और आपको इजीली मार्केट में कहीं भी मिल जाएगा आपको, और आपको ऑनलाइन परचेस करना है तो मैंने तो लिंक दे दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हो। और इसे मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी, और आपको फाउंडेशन को अच्छी तरीके से ब्लेंड करना होगा क्योंकि अगर आप अच्छी तरीके से उसे ब्लेंड नहीं करोगे तो आपका फाउंडेशन पैची और केकी दिखने लगेगा। सो आप अच्छी तरीके से फाउंडेशन को ब्लेंड करोगे तो बहुत ही अच्छा दिखेगा। नेक्स्ट मैं अपने फेस को सेट करने के लिए यूज़ करूँगी मेबलिन का कॉम्पैक्ट। बहुत ही अच्छा कॉम्पैक्ट है, 120 रुपीज़ का आता है, आपको इजीली कहीं पे भी मिल जाएगा, आपके लोकल मार्केट में, और ऑनलाइन लेना चाहते हो तो वहीं पे भी मिल जाएगा, और मैंने लिंक दे दी है, मैंने इसे लिया था अमेजोन से। अब आ रही थी कंसीलर की, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी ओलिविया का कंसीलर। मेरा शेड है 05 टच एंड ग्लो, मैं हर वीडियो में इसको यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है, और यस ये इतना सॉफ्ट है और एकदम क्रीमी है कि इजीली ब्लेंड भी हो जाता है और आपकी अंडर आई एरिया को अच्छी तरीके से कवर कर लेता है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जस्ट 100 रुपीज़ का आता है, ये भी आपको अपने लोकल मार्केट में या फिर ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी मिल जाएगा आपको। सेम कॉम्पैक्ट की हेल्प से मैं उसको भी अच्छी तरीके से सेट कर लूँगी जहाँ मैंने कंसीलर अप्लाई किया था। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी ऐसे पर कलर का ये पैलेट, उसमें से डार्क शेड लूँगी और अपनी ब्राउज को फिल करूँगी। आप अपना कोई भी फेवरेट ब्राउ पाउडर या फिर ब्राउ पोमेट ले सकते हो, उसी के हेल्प से आप अपनी ब्राउज को फिल कर सकते हो। मेरे लिए ये शेड बिल्कुल परफेक्ट है, तो आप एक आई शेडो की हेल्प से भी अपनी आईब्रोज को फिल कर सकते हो, या फिर आपके पास पेंसिल है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी ये हिलारी लोड़ा का पैलेट, उसमें से मैं ये डार्क मरून शेड लूँगी और मेरे आउटर वी पे और मेरे क्रीज लाइन में, सिर्फ मेरे आउटर वी पे और क्रीज लाइन तक मैं उसे अच्छी तरीके से ब्लेंड करूँगी। और हाँ, आई शेडो को हमें अच्छी तरीके से ब्लेंड करना आना चाहिए क्योंकि अगर हम अच्छी तरीके से उसको ब्लेंड नहीं करेंगे तो वो एक कलर रह जाएगा हमारी आईज़ पे, ऐसा लगेगा कि हमने कलर लगा के बस छोड़ दिया है, तो उसको अच्छी तरीके से जब तक ब्लेंड नहीं करेंगे तब तक वो अच्छी नहीं दिखेगी। और मैं उसको लोअर लैश लाइन के नीचे नीचे भी अप्लाई करूँगी ताकि सारा कुछ अच्छे से बैलेंस लगे, और सेम मैं मेरी दूसरी आईज पे भी लगाऊंगी आउटर वी पे और क्रीज लाइन में। और सेम पैलेट में चाहिए मैं कॉपर शेड लूँगी और जो कि थोड़ा सा शाइनी है, और उसको मैं सिर्फ आईलेट पे लगाऊंगी। और हाँ, अगर आपका कलर अच्छे से ब्रश पिक नहीं हो रहा है तो आपको एक सेटिंग स्प्रे या फिर आपको वाटर यूज़ करना है, अपने ब्रश पे स्प्रे कर देना है, उसके बाद अगर आप लगाओगे तो आपका जो आई शेडो है, जो कलर है, बहुत ही अच्छा दिखेगा, और हाँ अच्छे से आपको ब्रश पे पिक भी हो जाएगी और काफ़ी अच्छी पिगमेंटेशन भी देगा। सेम पैलेट में से मरून शेड लूँगी और मेरी आउटर वी पे और थोड़ा सा क्रीज लाइन में मैं अप्लाई करूँगी। फिर से मैं वो कॉपर शेड पिक करूँगी जो कि मैंने आईलाइट पे लगाया था, उसको मैं अपनी इनर कॉर्नर को हाईलाइट करने में यूज़ करूँगी। लाइनर के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का स्केच आईलाइनर, और मुझे काफ़ी पसंद है, काफ़ी वाटरप्रूफ आईलाइनर है और उसकी टिप भी बहुत ही अच्छी है जिससे हम अपनी लाइन अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं, तो मैं एक विंग लाइनर ड्रॉ करूँगी इससे। काजल के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी ब्लू हेवन का काजल, और उसको मैं अपनी वाटर लाइन में अच्छी तरीके से लगाऊँगी, और मैं लगाऊँगी फॉल्सेस ऑफ कैमरा।
सेम पैलेट में से मैं ये रेड शेड पिक करूंगी जो कि ब्लश का दिया गया है, वो बहुत ही पिगमेंटेड है, काफ़ी पसंद है मुझे और हल्के हाथ से मैं उसे अपने चिक्स पे लगाऊंगी। फेस को कॉन्ट्रोल करने के लिए मैं ये SFR कलर का सेम पैलेट ले रही हूँ, उसमें से मैं डार्क एंड जो लाइट ब्राउन शेड है उसको पिक करूंगी और अपने फेस को मैं कॉन्ट्रोल करूंगी। अब बारी है हाइलाइटर की, तो मैं शिवाना कलर का पैलेट लूंगी, उसमें से ये 3 शेड पिक करूंगी जो कि हाइलाइटर के हैं, रोज़ गोल्ड गोल्डन शेड है और थोड़ा सा एक कॉपर शेड है जो कि काफ़ी अच्छा और प्यारा लग रहा है, तो उससे मैं अपने फेस को हाईलाइट करूंगी, ब्रिज ऑफ द नोज, क्यूपिड्स बो एंड वो चिन और वहाँ जहाँ मैं हाईलाइट करती हूँ। लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ किस ब्यूटी की लिक्विड लिपस्टिक और पिंक कलर में है, बहुत ही प्यारा कलर है। तो ये है फाइनल लुक और मैंने मेरे हेयर को अच्छी तरीके से कर्ल कर रखा है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है और आप कोई भी हेयर स्टाइल कर सकते हो आपकी पसंद की।